पहला सम्मान वोट आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। रिमोट और आप देख सकते हैं कि जो डेलीगेट्स आए उनसे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए साफ तौर पर, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण यह पूरा दौरा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत यहाँ पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का किया गया। तो ये पहला भारत का दौरा है। Discuss intensely about all the topics relevant for the development of our countries, but also for peace in the world, which is important. Thank you. तो सुना आपने कि ओलाफ शोल्स ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर उन्होंने पीस ऑफ वर्ल्ड की बात की है, और उसके अलावा जो रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच है, भारत और जर्मनी के बीच, उसमें और कैसे नए आयाम, नई दिशा स्थापित की जाएगी, वो साफ तौर पर जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उसमें इस बात को और प्रमुखता के साथ रखा जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह पूरा दौरा उनका है, और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी गर्मजोशी के साथ उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया, और उसके बाद लगातार, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है रणनीतिक अगर लिहाज से बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण, और जो साझेदारी है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आएगी। तो व्यापक जो विषय हैं उन पर तो चर्चा साथ साथ होनी ही है, रणनीतिक चर्चा भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी भविष्य में किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं उन पर भी बात होगी। इसके अलावा रूस यूक्रेन का जो मसला है उस पर भी यहाँ पर बात हो सकती है, क्योंकि जैसा कि साफ तौर पर अभी कुछ देर पहले ही जब
ओलाफ शोल्स ने अपनी बातें कहीं, उसमें वर्ल्ड ऑफ पीस की बात को सबसे प्रमुखता के साथ रखा है और उन्होंने कहा है कि शांति स्थापित करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है और ऐसे में वैश्विक जो चुनौतियां अभी भी तमाम देशों के सामने खड़ी हैं उसमें भारत और जर्मनी दोनों की साझेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उभरते हुए भारत का जो संकल्प है कि वसुधैव कुटुंबकम का, वो साफ तौर पर नज़र आएगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय